हेलो गाइस यार, कैसे हैं आप लोग? यार आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज यार अपनी 100th वीडियो पूरी हो चुकी है, मतलब आज अपनी 100th वीडियो है जो हम एक सीरीज शुरू कर रहे थे। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको भी और मेरे को भी कि हमने यार यहाँ तक अपना सफ़र जारी कह रहा हूँ। एंड कोशिश करेंगे यार कि हम इसके बाद 150 की तरफ बढ़े, 150 से 200 एंड आगे की आगे बढ़ते जाएँ, रुके ना। यही अपना ट्राई रहेगा, बाकी यार टाइम बताएगा जो आने वाले में होगा, क्या होगा क्या नहीं वो किसी को नहीं पता है। कोशिश रहेगी कि हम रुकेंगे नहीं अभी, क्योंकि इतना यार आगे आ चुके हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो करके ही जाना है इस फील्ड में, यूट्यूब की फील्ड में, COC की फील्ड में। कुछ ऐसा अपना बिलीव है कि कुछ करके जाएंगे। एंड यार आज की वॉर जो होने वाली है मिक्स कप है वो, लेकिन यार थोड़ा अलग है। इसमें टाउन 10 और 11 पे सीज अलाउड नहीं है, मैक्स सीसी अलाउड है। टाउन 9 पे मैक्स सीसी अलाउड है, टाउन 12 पे ये है कि आप जो फर्स्ट 3 सीज जो टाउन 12 पे मेनली खुलते हैं सिर्फ वही अलाउड है। मैक्स लेवल अलाउड है उसका, लेकिन वो अलाउड नहीं है कि आप जो अपने सीज बैरक या फिर आप अपना लॉग लॉन्चर यूज़ करो। टाउन 13 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी बढ़ते हैं सीधा वॉर की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं टाउन 9 के अटैक से। टाउन 9 पे आप देख सकते हो पेक्का, सॉरी गोवाई गोलम और पेक्का के साथ, गोवाई कह सकते हैं हम इसको, कह सकते नहीं वही है। तो यहाँ पे यार अपना सौरभ भाई अटैक कर रहे थे, दो गोलम्स यहाँ पे सुपर मिनियंस जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं अपने किसी भी ट्रूप को, लो टाउन हाउस पे स्पेशली, क्योंकि यार आपको पता है ये बहुत ज़्यादा ओपी है डिफेंस सीसी के तौर पे। एक पेक्का बाहर की तरफ जा चुका है और एक गोलम भी बाहर की तरफ जा चुका है जो कि उस साइड यहाँ पे फनल बनाने का काम करेगा ताकि जो भी ट्रूप्स हैं वो बाहर की तरफ बिल्कुल ना भटके। किंग और कुछ पेक्का से अंदर जा चुके हैं और सुपर विजर्ड्स हैं जो कि ईजिली यार यहाँ पे काफ़ी सारे चेन डैमेज की मदद से काफ़ी सारे डिफेंसेज लेने वाले हैं। एंड आप यार एक विच स्पैम कर सकते हो, गोवाइफ भी स्पैम ही एक टाइप का, लेकिन जो भी यार स्पेल्स वगैरह काफ़ी अच्छे ध्यान से देने पड़ते हैं गोवाइफ में। और यहाँ पे कुछ हॉग्स आ रहे हैं एंड बहुत बढ़िया फ्रीज आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों विजिट टावर्स कवर हो गए और एक विजिट टावर डाउन भी हो जाएगा हॉक्स की मदद से। चेन डैमेज आप देख सकते हो यार, क्या ही चेन डैमेज दे रहे हैं यहाँ पे जो अपने सुपर विजिट्स हैं उनकी, यहाँ पे चेन डैमेज की बदौलत ही काफ़ी सारे डिफेंसिस क्लियर हो चुके हैं। कुछ यहाँ पे हॉग्स आ चुके हैं, पेक्का अभी तक जिंदा बाहर वाला, तो ये बेस ट्रिपल हो गया, बस कुछ ही डिफेंसेस, चंद डिफेंसेस बचे हैं और ये बेस ट्रिपल वैसे इजी है यार, मतलब अगर आप ध्यान से अटैक करो। एंड इसके बाद टाउन 10 11 12 13 ऐसे बढ़ेंगे। सबसे पहले टाउन 9 से शुरू करते हैं, द डार्क ग्लोबल टीम, आपको पता होगा वैसे मैंने इनके काफ़ी सारे मैचेस ऑलरेडी यहाँ पे डाले हुए हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मिक्स कप यार वैसे अभी काफ़ी पॉपुलर चल रहा है क्योंकि इसमें सब टाउन आ जाते हैं, तो इसमें मेरे को भी यार काफ़ी मज़ा आता है मिक्स कप में क्योंकि इसमें हम कोई ना कोई स्ट्रैटी हर टाउन की तो दिखा ही सकते हैं कम से कम हर नहीं तो। सिंगल टाउन थोड़ा बोरिंग रहता है लेकिन यार मज़ा उसमें भी आता है, ये नहीं है कि मज़ा उसमें नहीं आता है। अभी बढ़ेंगे टाउन हॉल 10 की तरफ। टाउन हॉल 10 पे मेरे को लग रहा है जोत था अपना, हाँ भाई जोत ने अटैक किया मोहम्मद मरवई के ऊपर। एंड देख सकते हो यार पेक्का स्मैश मारा है यहाँ पे, मतलब मास पेक्का भी कह सकते हो इसको। यहाँ पे क्विक आ चुका है स्टार्टिंग कंपार्टमेंट में और काफ़ी सारे कंपार्टमेंट से एंट्री मिल चुकी है, एक पेक्का एक और पेक्का विजिट्स पीछे से ताकि फनल टाइम से होता रहे यार, क्योंकि फनल में लेट हुआ तो काफ़ी सारे पेक्कस बाहर जा सकते हैं। ऑलरेडी कुछ पेक्कस बाहर जा चुके हैं एंड दो दो पेक्कस बाहर की साइड हैं एंड कुछ विजिट्स हैं, कुछ और यहाँ पे बॉलर आ चुके हैं कोर में एंड एक हील डाल दिया स्टार्टिंग अर्ली हील फिर से सुपर मिनियन सीसी में। किंग ऑलमोस्ट डाउन, ओके बहुत बढ़िया टाइम पे फ्रीज वरना किंग मर जाता है यार यहाँ पे, एंड वो एक सीन क्रिएट कर देता अगर भाई किंग मर जाता जल्दी। यहाँ पे क्वीन यहाँ पे पीछे से अच्छा काम कर रही है क्लियर करने का जल्दी से। कुछ हॉग्स लिए हैं यहाँ पे बंदे ने, 4 से 5 हॉग्स हैं जो कि कुछ डिफेंसेस क्लियर करते आएंगे। मल्टी थोड़ी दिक्कत दे रहा लेकिन हील है यार, हील ज़्यादा प्रॉब्लम होने देगा नहीं, वैसे भी ज़्यादा कंपार्टमेंट वाला बेस है नहीं तो मेनली यार ये स्ट्रेटजी उसी बेस पे चलती है जहाँ पे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स ना हो और पेक्कस को यहाँ पे ज़्यादा बॉल्स फोड़ के अंदर ना आना पड़े, इधर उधर ना जाना पड़े, बस सीधा वो घूमते रहें बेस के पूरे अंदर एंड ट्रिपल मार दें, इजी तरीके से ट्रिपल मार दें। ओके क्वीन एबिलिटी है, एक हील है, हील यहाँ पे बॉलर्स पे डाल दिया गया, क्वीन भी आ चुकी है और ईजी ट्रिपल यार ये भी, ईजी ट्रिपल, बहुत ईजी ट्रिपल ये भी। आप देख सकते हो कितनी ईजी तरह यहाँ पे बंदे ने ट्रिपल मार दिया बेस को एक बढ़िया स्पैम से यार, मतलब अब मिक्सअप में इजी स्पैम मार सकते हो और वो भी विदाउट सीज, सबसे बड़ी बात है विदाउट सीज की, अगर विद सीज होता लॉग लॉन्चर होता खत्म था भाई बेस, कोई चांस ही नहीं था कि ये बच जाता भाई बेस। ओके बहुत बढ़िया,
क्वीन यहाँ पे देख लो फुल हेल्थ में है, उस साइड बैक्कल हैं एंड थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि जैसे यहाँ पे क्लीन अप सही है। ओके छोड़ो यार, कुछ बिल्डर हट्स हैं तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब बढ़ते हैं टाउन 11 की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है यार टाउन 11 नो सीज ईजी नहीं है, लेकिन बंदों ने करके दिखाया यहाँ पे फिर से ट्रिपल, मोहम्मद मरवई के बेस पे फिर से ट्रिपल बेस। देख लो यार यहाँ पे वैल्यू देखना यार, जैप से वैल्यू देखना आप, 7 जैप और यहाँ पे देख लो 2 एक्सपोज ले गया और एक यहाँ पे ईगल ले गया, भाई जैप से वैल्यू देख लो यार। इसलिए यहाँ पे सुपर आर्चर्स यूज़ किए गए हैं, जैप को एक सुपर आर्चर्स, 5 हीलर यहाँ पे क्वीन पे यूज़ की जाती है मेनली, इस पर 4 4 भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वो आप पे थोड़ा डिपेंड करेगा, लेकिन मैं तो हूँ तो 5 ही करूँगा और एक हीलर यहाँ पे वार्डन अपनी सुपर आर्चर्स के पीछे। ओके यहाँ पे 8 डिफेंस डाउन है, 5 हीलर आप देख सकते हो क्वीन के ऊपर जा चुकी हैं एंड एक जो हीलर अभी सिर्फ यूज़ की है, बाकी 2 हीलर भी आ चुकी हैं। टेस्लास का ही वेट हो रहा था कि टेस्ला फॉर्म निकले उसके बाद ही हीलर डाली जाए, ताकि जो हीलर्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हीलर्स नहीं एंड में काम बचाना है यार अपने जो सुपर आर्चर्स का है। एंड क्वीन के लिए फनल बन चुका है इस साइड, एक सुपर आर्चर भी आ चुकी है, बैटरी लो। ओके कोई नहीं चल जाएगा भाई, जितने तक रिकॉर्ड करेंगे तब तक तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन बढ़िया चल रही है उस साइड, सुपर आर्चर्स बढ़िया चल रहे हैं इस साइड, यहाँ पे एबिलिटी देनी चाहिए क्योंकि किंग भी है, काफ़ी हैवी यहाँ पे डिफेंस है तो मे बी एबिलिटी यहाँ पे यूज़ हो। ओके बहुत सी एस्टिमेशन यार अपनी, अच्छी प्रडिक्शन हमारी एंड क्वीन एबिलिटी यहीं पे यूज़ हुई है, सॉरी क्वीन कह रहा हूँ मॉडर्न एबिलिटी। ओके यहाँ पे एक्सपो डाउन हो जाएगा, किंग ने उस साइड फनल बना लिया है, यहाँ पे एक लून है जो बॉम्ब टावर डाउन कर देगा। बहुत सही यार, मतलब देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 2 रेज हैं और एक यहाँ पे पॉइजन है जो यहाँ पे सीसी में यूज़ होने वाला है। ओके बहुत जल्दी सीसी भी डाउन, डाउन सीसी हो गया, सीसी डाउन हो गया। इस साइड क्वीन भाई क्या ही डोमिनेट करते आ रही है, सीसी में से मैक्स हॉक्स जो कि नहीं बचने देंगे यार बेस को, बोला था मैंने आपको कि मतलब मैक्स ट्रूप्स अलाउड है लेकिन आप सीज यूज़ नहीं कर सकते, जिस टाउन हॉल पे सीज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे ट्रिपल मारने, लेकिन बंदे यार इतनी ईजी तरह से ट्रिपल मार रहे हैं ना, लग ही नहीं रहा कि विदाउट सीज अटैक मार रहे हैं, विथ सीज जैसे ट्रिपल मार रहे हैं भाई, जैसे विथ सीज यहाँ पे मार रहे हो तो बहुत बढ़िया अटैक है। यहाँ पे सनी का भी काफ़ी ओपी अटैक है यहाँ पे सुपर आर्चर्स के साथ, वैसे सुपर आर्चर्स काफ़ी ओपी हैं अगर हम बात करें तो, 5 से 6 सुपर आर्चर्स अभी तक जिंदा है, कुछ ही मतलब हीलर सबकी सब जिंदा है अभी तक। इस साइड क्वीन देख लो फुल हेल्थ के साथ विद एबिलिटी जिंदा है, सुपर आर्चर्स की यार यहाँ पे जो टाइल्स है ना मारने की वो तो बहुत सही है यार, 2 से 3 चीज़ें इकट्ठी ले लेती है, जैसे यहाँ पे देख लो वॉल्स को भी टारगेट कर रही है, ऊपर से यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी ले ली, बहुत सही यार यही चीज़ अच्छी लगती है सुपर आर्चर्स की मेरे को। अभी बढ़ेंगे टाउन हॉल 12 के अटैक की तरफ, देखते हैं टाउन हॉल 12 वाले बंदे ने क्या करके दिखाया, क्या करिश्मा किया उसने, क्या जादू करता है वो देखना पड़ेगा। टाउन हॉल 12 ALA पे संख्या ने अटैक किया। ओके ओ हो ड्रैग जैप भाई, ये तो बहुत ही एक कहेंगे नॉर्मल आर्मी जो हम टाउन हॉल 10 पे यूज़ करते हैं नो सीज, तो ऐसी कुछ आर्मी यहाँ पे टाउन हॉल 12 पे यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पे स्टोन स्लैमर था अवेलेबल, क्योंकि आपको पता है टाउन हॉल 12 पे पहली 3 सीज अवेलेबल होती हैं तो आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। एक AD यहाँ पे और डाउन हो जाएगा और एक यहाँ पे स्वीपर ले लिया भाई, ओ हो स्वीपर पे यहाँ पे 2 जैप वेस्ट किए गए, मतलब कुछ ना कुछ तो खास वैल्यू है यहाँ पे स्वीपर से, इसलिए लिया गया। इस साइड इलेक्ट्रो ड्रैगन जो फनल बनाएगा एंड मे बी 8 डिफेंस भी डाउन कर लेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा 8 डिफेंस डाउन। किंग आ चुका है नीचे की साइड, अब वो जाएगा, किंग एंड क्वीन जाएंगे 6 o'clock की तरफ, 9 o'clock से ड्रैगन सारे आ चुके हैं, लावा सी लावा नहीं है चलो, मे बी यहाँ पे जो स्टोन स्लैमर है वो थोड़ा लेट डालेंगे ताकि जो ईगल आर्टिलरी की तरफ वो जाए सीधा, वही मेरे हिसाब से टारगेट होगा यहाँ पे। वार्डन एबिलिटी ओके बहुत अच्छी टाइम पे वार्डन एबिलिटी, इलेक्ट्रो डाउन है, किंग क्वीन अच्छा चल रहे हैं, यहाँ पे आइस गोलम डाला है ताकि वो टैंक कर सके। ओके यहाँ पे अपना स्टोन स्लैमर आ चुका है, लेकिन ओके स्टोन स्लैमर यहाँ पे ड्रैगन्स की साइड ही जा रहा है, 13% बैटरी बची है भाई सिर्फ, तो हो जाएगा वैसे तो। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप हील्स पहले यहाँ पे डाल के ड्रैगन्स की हेल्थ फिर से रीगेन कर ली गई है, एंड फाइनली जो स्टोन स्लैमर है वो वहाँ पे ईगल आर्टिलरी को टारगेट कर रहा है एंड ये बेस नहीं बचने वाला है भाई, ट्रिपल ये भी एक और ट्रिपल यहाँ पे फ्री स्वैग, पहले ही फ्री स्वैग के साथ ये बेस ट्रिपल, थोड़ा मैक्स नहीं था क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफेंसेज और कुछ यहाँ पे आप इन्फर्नो भी देख सकते हो मैक्स लेवल के नहीं थे, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक दो ड्रैगन कम हो जाते लेकिन ट्रिपल तो था ही यार, फिर भी ये ट्रिपल था।
ओपी। अब बारी आती है टाउन हॉल 13 अटैक की, 2x में जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। अब इसके बाद देखने वाला है टाउन हॉल 12 के, सॉरी टाउन हॉल 13 के अटैक्स। बढ़ते हैं फिर उसी की तरफ। ओके, यहाँ पे फिर से स्केली एंड अपना जो क्या कहते हैं इसको, इन्फर्नो बेबी ड्रैगन, जो कि यार आजकल काफ़ी फेमस आर्मी है। एंड इसको यू, और ऊपर से देख लो यार, स्केलेटन स्पेल लेवल 7 के मैक्स होते हैं, यहाँ पे लेवल 5 के स्केलेटन स्पेल यूज़ कर रहा है। मतलब अलग ही लेवल है यार यहाँ पे बंदों का। आजकल तो किसी भी स्ट्रेटजी से आके पेल देते हैं भाई। 3 रॉयल गैरी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 180 से फनल बनाएगा और ए डिफेंस डाउन कर लिया गया ताकि इन्फर्नो ड्रैगन को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आए ना। एक आर्चर से फनल बनाया जा रहा है यहाँ पे, एंड कुछ सुपर गॉबलिन्स यूज़ किए गए ताकि फनल अच्छा बन जाए। दो बेबी ड्रैगन्स एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे आ चुका है, जो कि फनल बनाने का काम अच्छा करेगा। सारे के सारे यहाँ पे इन्फर्नो ड्रैगन्स, यहाँ पे लून्स, एंड स्टार्टिंग में ही सिंगल के ऊपर यहाँ पे जो सिंगल को डिस्ट्रैक्ट करते रहे वहाँ पे आप देख सकते हो स्केलेटन स्पेल्स डाल दिए गए हैं, दो दो तीन तीन स्केलेटन स्पेल्स। एंड बहुत जल्दी यार अपने को यहाँ पे वार्डनेबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, वार्डनेबिलिटी देखने को मिल चुकी है। टाउन हॉल भी डाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो अपनी बैटल ब्लिम्प है वो पहुँच चुकी है टाउन हॉल तक एक रेज। एंड मे बी यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डाउन हो जाए। लावा निकला यार सीसी में, ये थोड़ी दिक्कत देगा गोलम टैंक करने के लिए। एंड एक और यहाँ पे स्केलेटन स्पेल ताकि जो अपनी आरसी है वो पीछे से सारे ट्रूप्स निकाल लें। यहाँ पे थोड़ा फंसता हुआ अटैक दिख रहा था यहाँ पे इस साइड पे, लेकिन लेकिन धीरे धीरे ट्रिपल की तरफ बढ़ा दिया भाई बंदे ने। ओके, बहुत सही। यहाँ पे यार थोड़ी दिक्कत जो लावा पप्स ने है उन्होंने दे दी, वरना थोड़ा और इजी ट्रिपल जाता है यार। ये वार्डन था, किंग था, क्वीन का, मतलब 3 अपने हीरोज़ की एबिलिटी पड़ी थी, तो ट्रिपल क्यों नहीं होना था भाई। ट्रिपल तो होना ही था यार, कुछ भी कर लेते, ट्रिपल तो पक्का था यार ये। ओके, बढ़िया एबिलिटी, 4 डिफेंसेस एक बार में लेती है भाई आरसी। क्लियर हो ना हो लेकिन हिट करती है उनको 4 को, ऑलमोस्ट डिफेंसेस क्लियर हो जाते हैं। एंड आरसी डाउन, क्वीन ने आरसी डाउन कर दी। देखते हैं अभी बाकी की चीज़ें कैसे लेना है, क्योंकि एंड में एक सिंगल पड़ा, आप सिंगल देख सकते हो वो थोड़ी प्रॉब्लम देने का काम करेगा जितना मेरे को लग रहा है। एंड भाई बस यार वीडियो को एंड भी यहीं पे करेंगे जैसे अपना अटैक खत्म होगा। और लाइक और शेयर कर देना भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे अगर आप CML या फिर कोई भी ऐसी अनडेड या फिर कैसी भी मिक्स कप खेलते हो जहाँ पे नो सीज होता है लोअर टाउन हॉल्स के लिए, वो थोड़ा ज़्यादा फन रहता है, तो खेलते हो तो अच्छा लगा। आपको वैसे भी खेलते नहीं हो, खेल सकते हो, अच्छा लग रहा है वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को लाइक कर देना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों वोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर देना। फ्रीज आई थिंक सो स्वैग होने वाला है यहाँ पे। ओके, फ्रीज स्वैग के साथ ट्रिपल। चलो यार मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खेलते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।